जालौन में पुलिस और सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 7 क्विंटल 62 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राज्यीय कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हां, सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन में जिलाधिकारी डॉक्टर प्रियंका निरंजन के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पूरी पुलिस टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिससे विधानसभा चुनाव 2022 में किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। इसी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज जालौन पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां उन्होंने 7 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गांजा तस्कर उड़ीसा से 3 करोड़ रुपए की 762 किलो प्रतिबंधित गांजे की बड़ी खेप तस्करी कर ले जा रहे थे, जिस पर पुलिस ने तलाशी के दौरान तस्करों के पास से गांजा बिक्री के 2,18,900 रुपए समेत एक ट्रक और 2 कारों समेत 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उड़ीसा से तस्करी कर उत्तर प्रदेश व आसपास के प्रदेशों में गांजे को सप्लाई किया जाना था। अभियुक्तों को सरगना दिल्ली के तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर चलाया जा रहा था, जिसे आज पुलिस ने झांसी कानपुर हाईवे NH 27 के कोटरा सर्विस रोड से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्राइम फ्री जालौन की ओर आज एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम बढ़ाया गया है। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर रवि कुमार के निर्देशन में एसओजी टीम और स्थानीय एड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उड़ीसा से तस्करी कर लाया जा रहा लगभग 7 क्विंटल 62 किलो गांजा, जी हाँ, आप सब सुन रहे हैं, 7 क्विंटल 62 किलो गांजा बरामद किया गया है। एक ट्रक में भरकर गाड़ियों की लोकेशन लेते हुए इसको बरामदगी हुई है और इसमें 7 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से गांजे की बिक्री के लगभग 2,18,900 रुपये भी बरामद किए गए हैं। एक पूरा ट्रक जिसमें गांजा भरा हुआ था वो जब्त किया गया है। 2 कारें जिनमें जो तस्कर थे, जिनको जिनमें सवार होकर उड़ीसा से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में उसकी सप्लाई देने जा रहे थे, वो बरामद की हुई। तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत जो जनपद जालौन की पुलिस द्वारा जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उसके लेकर आज एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, ये जो जालौन के सर्विलांस और एसओजी की टीम ने काफ़ी अच्छा गुडवर्क किया है। इन्होंने कुल 7 लोगों की गिरफ्तारियाँ की हैं और जो जब्तीकरण है उसमें 762 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। और साथ ही साथ एक ट्रक, एक टाटा, एक ईऑन कार और एक स्कॉर्पियो कार की बरामदगी की गई है। इनके कब्जे से 2,18,900 रुपए बरामद किए गए हैं और कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं और ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है एक एटा जनपद का रहने वाला है, इसमें 3 झांसी के रहने वाले हैं, जालौन का भी है व्यक्ति और साथ ही साथ 2 उड़ीसा के व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो पूरा गांजा है वो उड़ीसा से लाकर ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, झांसी में, जालौन में और भी अन्य जनपदों में सप्लाई करते हैं और इसकी खपत करते हैं। तो इस पूरे अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें 2 व्यक्ति उड़ीसा के हैं, उनकी उड़ीसा नंबर की कार, ईऑन कार भी पकड़ी गई है और साथ ही साथ जो है ये कुल रिकवरी 3 करोड़ से ऊपर अनुमानित लागत की गई है। पूरा गैंग पकड़ा गया है, कुछ लोग मिसिंग है सर? नहीं, अभी ये जो गैंग पकड़ा गया है इसमें इनका नेक्स्ट लिंकेजेस जो है आगे, ये जो यहाँ पे लाते थे इनका नेटवर्क आगे भी हो सकता है, अभी उसकी पूरी और जानकारी की जा रही है। कारण ये है कि जो ये बड़ी क्वांटिटी पकड़ी गई है, इसके बाद ये छोटे छोटे डीलर्स को भी देते होंगे, उनके बारे में भी जानकारियाँ की जा रही हैं और उड़ीसा में जो ये कहाँ से और किन किन लोगों से जुड़े थे उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। वहाँ के उड़ीसा पुलिस के साथ भी समन्वय किया जाएगा, उनसे भी बातचीत करके उनके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।